अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी वाटर स्ट्रेस की टाइप वन, हमने ड्राउट स्ट्रेस डिस्कस की थी। आज हम आगे मूव करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो होगा बेस जो डिस्कशन में आएंगी, वाटर लॉगिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन होगी, उसका काज क्या है और उसके जो इम्पेक्ट्स आते हैं इन्वायरमेंटल या फिजियोलॉजिकल प्लांट के ऊपर, उस किस तरह इम्पेक्ट करता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसकी एडाप्टेशन किस तरह हैं, किस तरह वो टॉलरेंस के मैकेनिज्म को अडॉप्ट करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सो आगे मूव करते हैं। वाटर लॉगिंग क्या है, वाटर स्ट्रेस की दूसरी टाइप, सेकंड टाइप वाटर लॉगिंग है क्या। वाटर लॉगिंग को हम दो वे से डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट थिंग है कि सॉइल विच इज़ सेचूरेटेड विद वाटर इज़ कॉल्ड वाटर लॉग सॉइल। सॉइल की ऐसी कंडीशन जो वाटर से फुल हुई हुई, जैसे आपको नीचे नज़र आ रही होगी पिक्चर, इसमें अनसेचुरेटेड कंडीशन ये होगी कि पोर्स के अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होंगी, ग्राउंड वाटर है, वेजिटेशन ग्रो करती है, तो एक उसका यूनिफॉर्म मूवमेंट रहती है ग्रोथ के लिए, प्लांट को अवेलेबल रहती है, रूट्स को ग्रोथ के लिए स्पेस मिलती है और वाटर अपटेक भी कर सकता है। सेचुरेटेड सॉइल में ये होगा कि वेजिटेशन ग्रो कर रही होगी उस रीजन में, लेकिन वाटर जो होगा वो उन पोर स्पेसेस को कवर किया हुआ होगा, ठीक है, उन पोर्स के अंदर उस स्पेसेस जहाँ पे उसने गैसेस हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेगा और वाटर बिल्कुल किसी और गैस की जगह नहीं छोड़ेगा। और इसकी एक्सट्रीम कंडीशन आती है फ्लडेड, जिसमें वाटर सॉयल से भी अबव आ जाता है, अबव सरफेस पे स्टैंडिंग कंडीशन में आ जाता है। फ्लड्स आप लोगों ने सुने हुए हैं उनके किस कंडीशन में होते हैं, पानी कई कई महीने जब रिवर से फ्लो करता है तो उस रीजन के अंदर स्टैंड करता है, विदस्टैंड करता है और उन रीजन्स के अंदर क्रॉप्स को, वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन उससे पहले वाली कंडीशन जब सब सरफेस पे नहीं आता वाटर, लेकिन सॉयल वेट रहती है, डैम्प रहती है, वो सैचुरेटेड सॉइल्स होगी, तो वो सैचुरेटेड कंडीशन जो होगी वाटर लॉग सॉइल्स कहलाएंगी। उसके बाद इसकी सेकेंड जो है सैचुरेशन में फर्दर आगे जो डिस्कशन है इम्पोर्टेंट है, वो आ जाती है कि सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर इस कॉल्ड वाटर लॉगिंग। दोनों वे से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि सॉइल अगर वाटर लॉग्ड हो जाती है या सॉइल के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, तो वो क्वांटिटी उसको क्या करती है, उसे वाटर लॉग कंडीशन में लेके जाती है। अब इस कंडीशन में प्लांट ने कैसे सर्वाइव करना है, कुछ बेसिक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि प्लांट की रूट्स जो हैं उन्हें एयर स्पेसेस के अंदर से गैसेस की एक्सचेंज के लिए पोर स्पेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो स्पेसेस सैचुरेटेड हो जाती हैं तो उनके लिए रेस्पिरेशन, जो रूट की रेस्पिरेशन है जो उसकी सरफेस पे होनी है, वो हो नहीं हो पाती, सो उसके लिए प्रॉब्लम आता है ग्रोथ में, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ क्या हैं, पहले इस पर आते हैं। वाटर लॉगिंग के जो कॉजेज हैं उसमें से कह सकते हैं दो मेन कॉजेज, दो कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल और सेकेंड वन होगा आर्टिफिशियल। दो तरह के कॉजेज हो सकते हैं वाटर लॉगिंग के, तो इसमें आगे देखते हैं टोपोग्राफिकल, जियोग्राफिकल फीचर्स और रेनफॉल पैटर्न में कुछ चेंजेस आती है तो वो नेचुरल काजेज होंगे, कि किसी रीजन की टोपोग्राफी किस तरह की है, उसमें स्लोप्स, हाइट्स वगैरह किस तरह की हैं, तो वो उस रीजन के अंदर वाटर की मूवमेंट को किस तरह डील करती है रीजन। कई दफ़ा ऐसे प्लेसेस होती हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाती, सॉइल की जो कंडीशन है वो वाटर को नीचे परकुलेट नहीं होने देती डीपर लेयर के अंदर। जियोग्राफिकल फीचर्स ऐसे आ जाते हैं जो जहाँ पे वहाँ पे वाटर की मूवमेंट आ जाती है, जैसे सराउंडिंग एरियाज ऑफ द रिवर जो हो गए, जियोग्राफिकल रीजन ऐसे हैं ड्यू टू द रिवर्स, वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन आती है, मूव करता है वाटर पोर स्पेसेस के थ्रू सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर और उनको वाटर लॉग कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है। और रेनफॉल, एक्सेस रेन जो है वो भी इसमें पार्ट प्ले करती है। तो ये तीनों जो है ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं जो उसमें इम्पेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे मूव करेंगे तो उसके बाद आता है सरफेस वाटर इरीगेशन जो होगी, या जो फार्मर्स या प्रैक्टिसेस करते हैं वाटर की इरीगेशन के लिए, वो इसमें प्रॉब्लम करते हैं। कई दफ़ा वो डिफेक्टिव कल्टीवेशन टेक्निक्स होती हैं जो सॉइल को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से वाटर लीच डाउन नहीं कर पाता, डाउनवर्ड नहीं मूव कर पाता, परकुलेट नहीं कर पाता। उसके अलावा डिफेक्टिव इरीगेशन प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, इरीगेशन को प्रॉपर वे से नहीं किया जाता, जहाँ पे लेस रिक्वायर्ड इरीगेशन की सॉइल्स हैं वहाँ पे हम ओवर इरीगेशन करते हैं, तो वो वाटर लॉगिंग की तरफ लेके जाती हैं। ब्लॉकिंग ऑफ नेचुरल ड्रेनेजेस, जो ड्रेनेज के वेज हैं वाटर का मूव करने के रास्ते हैं, उसको अगर रोक दिया जाता है, उसके कई तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि हम ब्रिजेस बन जाते हैं,
रोड बन जाते हैं, रेलवे लाइंस आ जाती हैं, तो वो वाटर की मूवमेंट को ड्रेनेज, जो वाटर ने मूव करना है अलॉन्ग द साइल, वो मूवमेंट रुक जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेजरवायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी वाटर लॉगिंग क्रिएट करते हैं, जैसे डैम्स वगैरह हैं, तो ये भी काज जो है ये आर्टिफिशियल उसमें वाटर लॉगिंग का रीज़न बनता है। तो ये कुछ दो डिफरेंट टाइप के काजेज़ थे जिनकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है। वाटर जो है सॉइल के जो पोर स्पेसेस है उनके को ऑक्यूपाई करता है और विदस्टैंड करता है रूट्स के साथ, रूट्स को की ग्रोथ को रोकता है, उसको अवेलेबल उसकी रेस्पायरेशन के लिए जो वाटर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज का मैकेनिज्म है उसको हाल्ट करता है, तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बुरी तरह से इफेक्ट होती है। तो आगे मूव करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। इफेक्ट्स क्या क्या हैं? एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग में आते हैं एब्सेंस ऑफ सॉइल एरेशन। सॉइल की जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे जो बेसिक काज है कि सॉइल के अंदर एरेशन नहीं होती जो रूट ग्रोथ को इम्पेक्ट करती है। सेकेंड, डिफ़िकल्टी इन कल्टिवेशन ऑपरेशंस। अगर तो आपने प्लांट्स लगा दिए हैं तो फिर तो उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है उसको आप माइंड में रखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ डिस्टर्ब होगी, लेकिन अभी आपने प्लांट्स लगाने हैं तो उसकी कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस आपने करनी है, तो कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस करने के लिए आपको वाटर लॉग डैम्प सॉइल्स के अंदर ट्रैक्टर को मूव करना, उस कल्टीवेशन करना, टिलेज करना, ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी आपको। उसको कैसे आपने ऑपरेशंस को, जो कल्टीवेशन के हैं, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर आप सॉइल प्रिपेयर करते हो, उसके अंदर हल चलता है, फिर उसके अंदर बीज लगाया जाता है या उसके अंदर सीडलिंग वगैरह जो है पनीरी वगैरह लगेगी, उसको लगाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। और उसके बाद सेकेंड आ जाता है वीड ग्रोथ, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं चीज़ों को। फोर्थ वन इसमें आ जाएगा अकोमोलेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट कैसे बी अकोमोलेट करता है वाटर लॉगिंग की कंडीशन के दौरान। वाटर अकोमोलेशन ऑफ सॉल्ट्स ये कहाँ पे होती है, पर्टिकुलरली सॉइल के अपर लेयर्स के अंदर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स जो फ्लडिंग के हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर आते हैं, उनमें से रेस्पायरेशन के ऊपर इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट आता है, फोटोसिंथेसिस पे एडवर्स इफेक्ट आता है, और लास्टली वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम इन दोनों जो कैटेगरीज इन्वायरमेंटल और मेटाबॉलिज्म, इन दोनों को सेपरेट सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें एब्सेंस ऑफ सॉइल एरेशन, ये किस तरह प्लांट के ऊपर या प्लांट की ग्रोथ और उसके जो बाकी मैकेनिज्म है फिजियोलॉजी, इसको कैसे डिस्टर्ब करेगी, इसका बेसिक चीज़ें हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो इन वाटर लॉग सॉइल्स, सॉइल पोर स्पेसेस जो हैं रूट जोन के अंदर, पहले अभी शुरू में मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पोर स्पेसेस जो होती हैं जिनके अंदर एयर की सर्कुलेशन ज़रूरी है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, क्योंकि रूट्स ने डायरेक्टली जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेसेस कैरी आउट करने होते हैं वो सॉइल की उन पोर स्पेसेस के अंदर करने होते हैं। तो रूट जोन के अंदर अगर वो क्रॉप्स के जहाँ ग्रो हुई हैं वो अगर वो रूट की पोर स्पेसेस सेचूरेटेड हो जाएंगी तो उसका जो एयर सर्कुलेशन है वो रुक जाती है, एयर सर्कुलेशन रुकेगी तो उससे बहुत सारे कह सकते हैं केमिकल प्रोसेसेस जो हैं जो उसके अंदर हो रहे हैं, जो जिसमें वो रूट्स एग्जुडेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं या न्यूट्रिएंट्स जो की अवेलेबिलिटी है प्लांट्स को सॉइल के अंदर, वो इन सैचुरेटेड स्पेसेस एयर स्पेसेस पे बेस करती है। जो बैक्टीरिया हैं वो एरोबिकली ग्रो करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, और वो अवेलेबिलिटी को श्योर करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को रिक्वायर हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ, तो उनकी अवेलेबिलिटी के जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो रुकना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरियल एक्टिविटी क्योंकि डिस्टर्ब हो रही है तो इससे प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट आगे जो आ रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नाइट्रेट्स फ्रॉम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बैडली, इसके एक एग्जाम्पल दे दिए बैडली अफेक्टेड, के जो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट अपटेक करता है वो मोस्ट कॉमनली बहुत सारे डिफरेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर से बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो रिलीज़ होते हैं। बैक्टीरियाज़ अपने फूड सोर्स को यूटिलाइज करने के दौरान इन न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करवाते हैं जो प्लांट्स के लिए अपटेक में आसानी होती है। तो प्लांट और किसी और फार्म में नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर पाता, सिर्फ नाइट्रेट्स की फार्म में कर पाता है, तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने में वो हेल्प करते हैं। इस तरह फास्फोरस है,
रॉक फास्फेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और रॉक फास्फेट से उसको अपटेक की अपटेक करने के लिए ज़रूरत होती है कि उसके ऊपर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है बैक्टीरिया की वो कैरी आउट हो, ताकि वो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में लेके आए फास्फोरस को, और वो वाटर के साथ सॉल्यूबल होके अपटेक हो पाए। लेकिन अंडर वाटर लॉक कंडीशन ये एरेशन जब नहीं होती तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इस तरह की बहुत सारी रुक जाती हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंटीग्रल हैं। उसके बाद सेकंड है डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन। ये पहले मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ कि जब कोई प्लांट या क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके लिए लैंड प्रिपेयर की जाती है, उसकी टिलेज प्रैक्टिसेस जो हैं जिसके जो की जानी है, उसके अंदर सीड लगना है, जो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, वो वेट कंडीशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। कई दफ़ा वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, वेट कंडीशन में कल्टीवेशन करना आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं रहता, आपको कुछ ना कुछ एडिशनल उसमें हेल्प लेनी पड़ती है ताकि आप उसको प्रॉपरली कैरी आउट कर सको। तो कल्टीवेशन इस अगर हम फार्मर्स वाटर लॉगिंग कंडीशन के ख़त्म होने का इंतज़ार करें, डिले करें कल्टीवेशन को, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो ये वाटर लॉक कंडीशन अक्सर रोबेशतर कल्टीवेशन को डिले कर देती है कि वो वाटर लॉगिंग ख़त्म हो। जैसे रेन एक नेचुरल आपको एग्जांपल बताई है, कई दफ़ा जैसे वीट का सीज़न आ रहा होता है तो उसमें अगर लाइट रेन हो तो वो तो फार्मर्स के लिए सूटेबल होती है, लेकिन बहुत हैवी रेन हो जाए जिसमें पानी फील्ड्स के अंदर खड़ा हो जाए तो उसमें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ना तो टिलेज की जा सकती है ना ही सोइंग की जा सकती है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। और अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए वीक एक हफ्ते 10 दिन के लिए तो वो कल्टीवेशन को डिले कर देता है, और उससे अगर कल्टीवेशन डिले होती है तो क्रॉप यील्ड एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है, और जो डिले क्रॉप होती है अगर वो मार्केट में लेट आती है, जैसे वेजिटेबल्स हैं स्पेशली वेजिटेबल मार्केट में हमेशा या फ्रूट की मार्केट में जो अर्ली आता है वो अच्छा अर्न करता है, तो अच्छी अर्निंग के लिए अगर मार्केट में आप डिले प्रोडक्ट लेके आओगे तो आपको फार्मर्स को अच्छी आउटकम नहीं मिलती। नेक्स्ट इसके बाद आती है वीड ग्रोथ। अब वीड्स का क्या इशू होगा वाटर लॉक कंडीशंस के अंदर, बाकी प्लांट्स ग्रो नहीं करते, ये वीड्स कहाँ से आ जाती हैं? प्लांट्स के ग्रो करने के लिए तो है नहीं सूटेबल, लेकिन वीड्स कैसे ग्रो करती हैं? सो जब वाटर लॉक लैंड्स होती हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऐसे प्लांट्स ग्रासेस जो मार्शी एरियाज में वेट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए एक डिज़ायरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उनके लिए सूटेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो जो आप अपनी एक यूज़फुल क्रॉप वहाँ पे ग्रो की हुई है उसमें जब ये वीड्स ग्रो करेंगी तो वो उसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करती हैं, हाल्ट करती हैं, और उसके जो न्यूट्रिएंट के अपटेक करने के का एक मैकेनिज़म है कि वो अपने सराउंडिंग एरिया से न्यूट्रिएंट अपटेक करती है, तो उसे एक कंपीटिटर मिल जाता है वीड्स की फार्म में जो उसके न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेता है, और डिज़ायर्ड यील्ड जो क्रॉप की जो यील्ड है वो इफ़ेक्ट होती है, ये उसका एक बैड इफ़ेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकोमोलेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे अकोमोलेट होते हैं उसको तो थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। वाटर लॉक सॉइल जो होती हैं उनके अंदर सबसे पहला मैकेनिज्म ये आता है कि जो कैपिलरी पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर, जैसे शुरू में हम पिक्चर देख रहे थे, उनके अंदर वाटर की अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वाटर अपवर्ड कैपिलरीज में फ़्लो करना शुरू करता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है ऊपर की तरफ आना शुरू होता है। जब अपवर्ड मूव करता है वाटर टेबल राइज करना शुरू करता है बेसिकली, तो जब वाटर टेबल राइज करता है तो जो डीप लेयर्स होती हैं, जो डीपर लेयर्स होती हैं जिनके अंदर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, जहाँ पहले रूट्स की पेनिट्रेशन जहाँ तक नहीं होती, तो वो उनके जो सॉल्ट्स हैं वाटर के साथ डिज़ोल्व हो के अपर लेयर्स में आना शुरू हो जाते हैं। सो मूवमेंट स्टार्ट होती है ड्यू टू द अपवर्ड कैपिलरी फ्लो ऑफ वाटर। अपवर्ड मूवमेंट जो होगी सॉल्युबल सॉल्ट्स की, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी डीपर लेयर्स से अपवर्ड मूवमेंट आएगी और साइड की अपर लेयर्स में वो आना शुरू हो जाएंगे। जब अपर लेयर में वाटर उन्हें डिज़ोल्व करके लाता है तो वाटर तो क्योंकि एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, अगर उसे टेम्परेचर और लाइट हाई लाइट इंटेंसिटी मिले तो वाटर एवेपोरेट होता है, वाटर के एवेपोरेट होने से जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देता है, वो अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है उन पर्टिकुलर रूट जोन के रीजन में जहाँ पे वाटर जो प्लांट का ग्रोथ का रूट जोन है वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये सॉल्टी कंडीशन आएंगी तो ये सॉल्ट जो है ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ
को इफ़ेक्ट करता है और उसकी यील्ड को डिक्रीज़ करवाता है। तो ये इसका एक कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक इशू है जो क्रिएट होता है और इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है एडवर्सली। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है मेटाबॉलिज्म, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किस तरह इफ़ेक्ट होता है और उसके क्या क्या रीजंस हैं, कौन कौन सी मेटाबॉलिज्म में हम तीन टाइप्स पढ़ी थी, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट एंड वाटर रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ये तीन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बैडली डिस्टर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ रेस्पायरेशन, इफ़ेक्ट ऑन रेस्पायरेशन। अब वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो रूट जोन में होती है, रेस्पायरेशन पे उसकी क्या डिस्टरबेंस आती है। रेस्पायरेशन सबसे पहले आती है कि रिडक्शन इन एनएरोबिक, सॉरी रिडक्शन इन एरोबिक रेस्पायरेशन इन रूट्स। जो रूट जोन है वहाँ पे जो एक मैकेनिज्म है रेस्पायरेशन का, एरोबिक रेस्पायरेशन का, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर तो शॉर्ट टर्म हो वाटर लॉगिंग कंडीशन तो जैसे ही ओवर होती है तो ये रिडक्शन कम हो जाती है, प्लांट्स दोबारा से एरोबिक रेस्पायरेशन करने लग जाता है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए वाटर लॉगिंग कंडीशन तो ये कंडीशन कन्वर्ट होती है एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जो कि प्लांट के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एरोबिक रेस्पायरेशन ही उसे सूट करती है। और साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि और सूटेबल जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सॉइल में मौजूद हैं उनकी भी एरोबिक रेस्पायरेशन ज़रूरी है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन अगर उन्हें शुरू होती है तो वो भी अपने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हम प्लांट्स पे वापस आते हैं, रिडक्शन एरोबिक रेस्पायरेशन की जैसी होती है रूट्स में तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन इनिशिएट होना शुरू हो जाती है ताकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकें। सो एनएरोबिक रेस्पायरेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती एरोबिक रेस्पायरेशन से, सो इससे प्रोड्यूस होने वाला अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो कम होता है। टोटल एनर्जी प्रोफाइल जो रूट्स की सेल्स की है वो कम होती है और एडीपी एंड एटीपी रेशियो जो होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है क्योंकि अंडर दीज कंडीशन रेस्पायरेशन जो प्लांट है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाता और उसके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो वो डिस्टर्ब होते हैं रूट रीजन में पर्टिकुलरली, और जो उसको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो पूरी नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन के अंदर ये उसके सारे के सारे इम्पैक्ट जो हैं उसके ऊपर आते हैं ड्यू टू द एनएरोबिक रेस्पायरेशन। साथ ही एनएरोबिक रेस्पायरेशन में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, एकोमुलेशन ऑफ एथेनॉल टू टॉक्सिक लेवल ड्यूरिंग द एनएरोबिक कंडीशंस। तो जो एथेनॉल है बेसिकली ये बाई प्रोडक्ट होगी जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो रही है उसकी, क्योंकि उसका ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पायरेशन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं जो एरोबिक में नहीं बनते। तो एथेनॉल एक ऐसी बाई प्रोडक्ट है जो अकामुलेट होती रहती है तो उसका टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, प्लांट की ग्रोथ को इम्पेक्ट करती है। तो प्लांट अपनी प्लांट की रूट्स अपनी एक एनर्जी रिक्वायरमेंट जो एटीपीज़ की फॉर्म में है उनको पूरा करने के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए एरोबिक रेस्पायरेशन को कंटिन्यू रखता है और कोशिश करता है कि उसे हायर लेवल तक रखे जाएं। लेकिन उसका उससे इम्पेक्ट ये होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस होती है उसके साइटोसोल्स के अंदर और वो उनके वैक्यूल्स में आके स्टोर होना शुरू हो जाती है, और अगर इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो उसके लिए टॉक्सिक होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मूव करेंगे वाटर लॉगिंग मेटाबॉलिज्म में, सेकंड टाइप है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस तरह इम्पेक्ट करती है और फोटोसिंथेसिस का क्या इम्पेक्ट आता है। सबसे पहले वाटर लॉग सॉइल्स के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जब क्लॉगिंग स्टार्ट होती है पोर स्पेसिस के अंदर से प्रोडक्ट्स जो है एयर की प्रोडक्ट्स नहीं आती है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन स्टार्ट होती है, तो उसका इम्पैक्ट प्लांट के एरियल पार्ट्स के ऊपर भी आता है। वो एरियल पार्ट्स पे कैसे इम्पैक्ट आता है कि ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पायरेशन, जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन की कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर जो प्लांट अपने जब सफ़र करना शुरू करता है तो उसके स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट आता है कि स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्टोमेटल रेजिस्टेंस है इंक्रीज़ कर जाती है, ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। ट्रांसपायरेशन रुकेगी तो ट्रांसपायरेशन रुक जाती है और साथ साथ ही गैसेस की मूवमेंट रुक जाती है। जब गैसेस की मूवमेंट रुकती है
तो ये इम्पैक्ट उसके फोटोसेंसिस पे आता है, ठीक है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जो उसके लीव्स के अंदर ही होना शुरू हो जाता है, ये क्या करता है, फोटोसेंसिस को डिक्रीज़ करवा देता है। जब फोटोसेंसिस डिक्रीज़ होती है तो फोटोसेंसिस के डिक्रीज़ होने के पीछे दो फिनामनाज मौजूद होते हैं। कि फोटोसेंसिस डिक्रीज़ होने का एक तो है कि स्टोमेटा का क्लोज़ हो जाना, दूसरा इसमें ये होगा कि अदर देन स्टोमेटा इसमें इम्पेक्ट आता है कि इनहिबिशन जो होगी फोटोसेंसिस की सिंथेटिक एंजाइम की जो है वो कंट्रोल होती है, जो हाइड्रोजन सल्फेट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रूट से ये जनरेट होते हैं और ये एज अ फाइटोटॉक्सिन के तौर पे वर्क करते हैं और ये इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन कुछ लिटरेचर में इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस के ड्यूरेशन में इंड्यूस होता है, जो ये गैसेस हैं ये उसके लिए अच्छे इम्पैक्ट लेके आती हैं, कि पहले वो फोटोसिंथेसिस को हाल्ट करती हैं, लेटर ऑन उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करती हैं। लेकिन इन जनरल के सबमर्ज सॉइल्स के अंदर जब सॉइल्स डैम्प होती हैं, वाटर से भरी होती हैं, तो प्लांट्स के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रोड्यूस होना शुरू होती है, जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स को की ग्रोथ को रोक देती है। और इसकी फोटोसिंथेटिक एंजाइम जब अपना वर्क नहीं कर पाते तो फोटोसिंथेसिस की डेफिशिएंसी आती है। इसका इम्पैक्ट ये प्लांट के ऊपर आता है कि प्लांट अपना प्रॉपर फूड नहीं प्रोड्यूस कर पाता जो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कर रहा था, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान नहीं कर पाएगा। तो रूट्स क्योंकि फ्लडेड कंडीशन में मौजूद हैं तो उन्हें वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रही, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डिमांड होती है ज़्यादा फूड बनाने की, ज़्यादा फूड रिक्वायरिंग होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ज़्यादा फूड की डिमांडिंग होता है, ऊपर से फोटोसिंथेसिस जो है वो इसकी वजह से रुक गई है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मूवमेंट है डाउनवर्ड वो रुक जाती है क्योंकि वो इतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही होती, और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल भी नहीं है और वाटर की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट एक मैकेनिज्म भी रुक जाता है। और डाउनवर्ड मूवमेंट के मैकेनिज्म में रुकने का एक रीज़न ये है कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी जो है वो रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टारवेशन क्रिएट करती है, यानी कि एक उसका हंगर क्रिएट करती है, उसको भूख कह सकते हैं। तो वो जो रूट्स हैं वो स्टार्व्ड हो जाती हैं, भूख ही मरना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उनको अपना फूड प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिस फूड को उन्होंने ब्रेक डाउन करना है और उसमें से ATPs जनरेट करने हैं, वो फूड की सप्लाई उनकी रुक जाती है। और जब फूड की सप्लाई रुकती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही और उसकी वजह से फूड बन नहीं रहा और फूड की सप्लाई रुक गई है, तो उससे प्लांट की ग्रोथ और जील के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फर्दर इसके आगे कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स स्टारवेशन जब करती हैं उसको एक्सपोज होती हैं तो प्लांट जो हैं वो अपने जो एक वेजिटेटिव ग्रोथ है उसकी तरफ नहीं जा पाते, वो अपनी जो उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ये सारे का सारा जर्नल प्लांट की हेल्प पे आता है, ज़रूरी नहीं कि वो शॉर्ट लिव्ड हो, अगर लॉन्ग लिव्ड वो प्लांट्स हैं तो उनके ऊपर भी बैडली इफेक्ट आता है और कई दफ़ा विल्टिंग की वो तरफ चले जाते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट टाइप फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमने आगे डिस्कस करनी, बल्कि अभी फोटोसिंथेसिस ही हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर इम्पेक्ट आता है वो एक और जो जनरलाइज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ फाइटो हार्मोन्स ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है, कुछ की कम होना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग दिस कंडीशन, और वो फोटोसिंथेसिस को के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। तो अकॉमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी जो प्लांट हार्मोन्स हैं जो इनहिबिट करने वाले हैं इन लीव्स कॉज नॉन स्टोमेटल इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट लीव्स के अंदर आके अकॉमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें से एक एग्जांपल मैंने एज अ टॉक्सिन फाइटोटॉक्सिन की दी थी, वो और चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं आके फोटोसिंथेसिस के जो एक प्रोसेस उसको हार्ड करना शुरू कर देते हैं। और उसमें सबसे पहले आता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, साइटोकाइनिन्स जो हैं उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, और जब साइटोकाइनिन्स मूव करना कम हो जाएंगी, उनकी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होती लीव्स तक, तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके साथ एक ट्रांसलोकेशन जो इंक्रीज़ कर जाती है एब्सेसिक एसिड की ABA की, और एथिलीन इंक्रीज़ कर जाती है, एथाइलीन जो इंक्रीज़ कर जाती है,
एब्सिसिक एसिड जो है, और क्योंकि एथिलीन की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये एथाइलीन जो है ये आप हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्नाइसेंस क्रिएट करने वाला एक प्रोसेस क्रिएट की तरफ लेके जाता है ताकि प्लांट अर्ली मेच्योरिटी की तरफ चले जाएँ, तो उससे रोकता है, रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। दोनों एथिलीन की प्रोडक्शन भी बढ़ती है ड्यू टू द सबमर्ज कंडीशन। जब एथिलीन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो एथिलीन डैमेजिंग इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, और बहुत ज़्यादा जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये कई दफ़ा क्लोरोफिल और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, तो इनकी ट्रांसलोकेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि इसमें जो ड्यूरिंग द सबमर्ज कंडीशन एक चीज़ देखने वाली है, इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, प्रोडक्शन ऑफ एथिलीन ये होती कहाँ पे है और ये किस तरह करके इसमें हाल्ट आता है। हाइपोक्सिया, दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही होंगी, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिक एंड एनोक्सिक, ठीक है। हाइपोक्सिक कंडीशन उन कंडीशंस को आप कह सकते हैं जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही टोटली ख़त्म हो जाए, उसको एनॉक्सिक कंडीशन कहेंगे, और हाइपोक्सिया कंडीशन वो होगी जब टिश्यूज़ के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, लेस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। सो एनॉक्सिक कंडीशन जो होगी टिश्यू के अंदर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं रहती। तो एथाइलीन की प्रोडक्शन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट फिनमिना कैरी आउट होता है कि जो एंजाइम है एथाइलीन को प्रोड्यूस करने वाला एथाइलीन गैस जो है, जिसे एथिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन गैस जो है उसकी प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट, एक एंजाइम है ACC ऑक्सीडेज। अब वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइम है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर है, उसके बगैर वो नहीं मूव कर सकता। ACC मैं उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, एसिटाइल को ए कार्बोक्सीलेज, एक एंजाइम की टाइप है। इसमें ऑक्सीडेज इसका जो एंजाइम है वो एथाइलीन के लास्ट स्टेप जो प्रोडक्शन का है, यानी कि एथिलीन जो है प्रोड्यूस करने का आखिरी स्टेप जो है उसमें ज़रूर यूज़ होता है, लेकिन ड्यू टू द सबमर्ज कंडीशन वाटर रूट जोन में वाटर की सॉरी गैसेस की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और मोस्टली ये डेफिशिएंसी जो होती है ये जो जो स्टील पोर्शन है, जो सेंट्रल कह सकते हैं वेस्कुलर बंडर होता है, सिलेंड्रिकल सेंट्रल वेस्कुलर पोर्शन एक्सेस ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के सेंटर में जो होता है स्टील कहलाते हैं, उसके अंदर जो होती है एनॉक्सिक कंडीशन होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और यहीं पे एथिलीन ने प्रोड्यूस होना होता है तो ये प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो फिर वो मूव करती है आउटर लेयर की तरफ। तो वो कहाँ मूव करेगी, वो मूव करती है आउटसाइड जो उसकी हाइपोक्सिक कंडीशन है, पेरिफेरल जो कॉर्टेक्स के टिश्यूज़ हैं, पेरिफेरल ये कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज़ हैं यहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशंस होती हैं, यहाँ डेफिशिएंसी होती है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई होती, तो यहाँ पे ACC ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जो सिंथेज है वो उसका ACCA सिंथेज उसका इनिशियल फॉर्म प्रोड्यूस करके उसे कॉर्टेक्स में रिलीज़ करता है, और कॉर्टेक्स के अंदर ACCA ऑक्सीडेज एंजाइम एथाइलीन की प्रोडक्शन को फाइनलाइज करता है, और ये एथाइलीन की जो प्रोडक्शन है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जाके हाल्ट करती है। तो ये कंडीशंस जो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इसके अलावा एथाइलीन प्रोड्यूस करना प्लांट की मजबूरी भी होती है, इसको प्रोड्यूस इसके हेल्प से वो एरेंकाइमा टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं, जो गैसेस की प्रोविजन करते हैं उनके रूट जोन में, इसको हम लेटर ऑन आके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं एरेंकाइमा। तो एथाइलीन की प्रोडक्शन एक लिहाज से फोटोसिंथेसिस को रोकती है, लेकिन ये आगे आने वाले जो मैकेनिज्म है उनमें हेल्पफुल भी ये साबित होती है। थर्ड एंड लास्ट वन है इफ़ेक्ट ऑन वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिलेशनशिप। तो वाटर लॉक कंडीशन जो होती हैं उनमें फ्लडिंग विद सॉल्ट वाटर क्रिएट्स ऑस्मोटिक स्ट्रेस, उसकी वजह से सबसे पहले आती है बेटा कि एक ऑस्मोटिक स्ट्रेस आना शुरू हो जाती है, कि जो वाटर के जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वाटर प्रेजेंट होने के बावजूद अवेलेबल नहीं होता प्लांट, उसे अपटेक नहीं कर सॉरी अवेलेबल होने के बावजूद प्लांट उसे अपटेक नहीं कर पाता, और प्लांट उसे अपटेक जब नहीं कर पाएगा तो उसके बहुत सारे जो मैकेनिज्म हैं फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो वाटर डिपेंडेंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अगर सॉल्ट वाटर
फ्लडिंग के दौरान ये सॉल्ट वाटर जो है ये ऑस्मोटिक स्ट्रेस क्रिएट करता है, और सॉल्ट वाटर क्योंकि फ्लडिंग का एक आउटकम है ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द डीपर लेयर, तो उसकी वजह से ये ऑस्मोटिक स्ट्रेस आती है। लेकिन अगर फ्रेश वाटर होगा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो उससे ऑस्मोटिक जो कह सकते हो स्ट्रेस होगी वो डिक्रीज हो जाती है। सॉरी, जब फ्लडिंग करते हैं हम फ्रेश वाटर से, तो उससे उसके ऊपर उसकी रूट की परमेबिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और साथ ही उसके जो रूट का हाइड्रोलिक कंडक्टेंस है, जो रूट्स के अंदर वाटर की मूवमेंट जो है कंडक्टिविटी, यानी कि रूट का उससे वाटर कंडक्ट हो के उसके वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो रूट सरफेस और उसके स्टेम के जाइलम के दरमियान जो एक वाटर का पोटेंशियल है, ग्रेडियंट है, उसको हम उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से वाटर रूट से मूव करता है, रूट के अंदर मूव करता है और रूट से वो स्टेम की तरफ मूव करता है। तो ड्यू टू द फ्लडिंग कंडीशन, बेशक वो फ्रेश वाटर हो, उससे रूट की परमेबिलिटी कम हो जाती है और उसकी जो हाइड्रोलिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, दोनों चीज़ें डिक्रीज हो जाती। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, रूट्स की ग्रोथ बढ़ती है और रूट्स जो हैं वो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर एरोबिक रेस्पायरेशन, वो अपनी ग्रोथ बढ़ाती हैं ताकि उन्हें कहीं से एयर की सप्लाई मिले, तो उसके लिए वो अपने एडवेंटिशियस रूट्स अपना ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। और एडवेंटिशियस रूट्स बेसिकली और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वाटर की अपटेक के लिए, रूट्स ने अपने आप को बढ़ाती हैं ताकि वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकें, लेकिन उससे वाटर की जो मूवमेंट है, वाटर की परमीएबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, रूट्स वाटर को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उनमें से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और जिसकी वजह से टोटल वाटर फ्लो प्लांट का रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल भी नहीं है, स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं, और उनकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है की जो अवेलेबिलिटी है वो भी साथ वाटर के साथ जानी है, वो भी कम हो जाएगी। वाटर का ओवरऑल फ्लो कम होता है तो उससे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है, जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है तो प्लांट्स के ऊपर उसके इंपैक्ट आना शुरू हो जाते हैं, वो डेफिशिएंसी शो करता है, तो उसका सबसे अर्ली साइन जो होगा वो क्लोरोसिस की फॉर्म में आएगा, विल्टिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर आयरन टॉक्सिसिटी भी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये जनरलाइज इंपैक्ट्स हैं, प्लांट के पास वाटर अभी अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन ड्यू टू द डिसबैलेंसमेंट ऑफ वाटर अपटेक और जो है उसकी वजह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसका एक रीज़न ये है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ गैसेस है रूट जोन के अंदर, पोर स्पेसेस के अंदर, वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन रूट्स में स्टार्ट करवाती है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है फोटोसिंथेसिस रुकती है, स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस रुकती है तो नेट वाटर का जो एक मूवमेंट है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट वो डिस्टर्ब होता है, और न्यूट्रिएंट्स ने हमेशा वाटर के साथ एब्जॉर्ब होके रूट्स के थ्रू मूव करना होता है, तो वाटर की जब अपटेक रुकती है तो अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को रिड्यूस करवा देते हैं, तो ये प्लांट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट लेके आते हैं, प्लांट सेनेसेंस की तरफ जाता है, अगली विल्टिंग की तरफ जाता है, अनलेस के वो अपनी डेथ पे ना चला जाए, कंप्लीट डेथ पे ना चला जाए, प्लांट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बावजूद वो वाटर को अपटेक कर नहीं कर पाता, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर पाता, क्योंकि सॉइल की जो पोर स्पेसेस हैं, जो एयर स्पेसेस हैं, वो सैचुरेट हुई हुई हैं, तो जिसकी उसकी वजह से वाटर न्यूट्रिएंट्स का की एब्जॉर्प्शन जो है वो एक रिलेशनशिप जो प्लांट के साथ क्रिएट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह जो उसके अगले जो टॉलरेंस के मैकेनिज्म हैं और हाइपोक्सिया और हाइपोक्सिक और एनॉक्सिक जो स्ट्रेस की थोड़ी सी डिस्कशन हम कल करेंगे, उनका क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरह वो इम्पैक्ट करते हैं, थायलीन वाली जो बात आज डिस्कस की इसको कल दोबारा से उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये इम्पैक्ट करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।